सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां यन्मायावशवत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा के ब्रह्मः यत्पादपद्ममेकमेव हि भवामोदे स्थितीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणवरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यथोऽपि क्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथकथा भाषानिबन्धमतिमण्डलमातनोति जो सुमिरत सिधि होइ गणनायक करिबरवदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुभ गुण सदन मोक होए वाचाल जासु कृपा सुदयाल प्रभु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण पारिजनयन करौ सुममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह मारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मरदनमयन बंधव गुरु बद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु भजन रवि कर निगर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुध हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संदन की जय हर नम पार्वती पदे हर 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 महादेव मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुध शरत अजर बिहारी अनुसुया के पद गई सीता मिली बहुरि सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई दिव्य वसन भूषण पहिराय जेनि तनूतन अमल सुहाय कहरि शिवदु सरस मृदुबानी मृदुबानी नारी धर्म खचु व्याज बकानी मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राज कुमारी अमित दानी भरता भय देही अधम सुनारी जो सेवन तेही धीरज धर्म नेत्र अरुणारी आपद काल परिख अहि नचारी वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे पति कर किए अपमाना नारी पाव जम पुर दुख नाना एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा जह पदि व्रताचारि विधि अहहि वेद पुराण संद सब कहहि उत्तम के अस बस मन माहि सपने हुआन पुरुष जगनाही मध्यम परपति देखहि कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म बिचारि समुझि कुल रहहि सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहहि बिनु अवसर भय ते रह जोई जाने हु अधम नारी जग सोई पति पंचक पर पति रति करई रौरव नरक कल्प सत परई क्षण सुख लागि जनम सत कोटि दुख न समझु तेहि सम को खोटि बिनु शम नारी परम गति लहई पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई पति प्रतिकूल जनम जह जाई विधवा होइ पाहि तरुणाई पति सेवत सुभग दिलहि
सहज अपावनि नारी अजहु तुलसी काहरी तुलसी का, तुलसी तुलसी नहीं, काहरी तुलसी का, तुलसी काहरी ही प्रिय जसु गावत तुदिना चारी चारी चामरी अजहु। सुनो। हाँ, सुमेरी नारी पति व्रत करही, सुनु सीता तव नाम, राम कहियो कथा संसार, नहीं कहियो कथा संसार हित, तो ही प्राण प्रिय राम, मंगल भवन मंगल भारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये पूरा पढ़ पढ़ लिया लिया हमने, था। पढ़ हाँ लिया जी है। आपने, हाँ जी अच्छा, आपने कर लिया ट्रांसलेशन। अनुसुईया के पद गहि सीता। अखंडानंद जी कहते हैं, अत्रि मुनि की स्तुति और रामचंद्र से उनका संवाद हो जाने के बाद आप देखते हैं कि अत्रि जी ने स्तुति की और वरदान भी मांगा, लेकिन रामचंद्र भगवान कुछ बोले नहीं, एवमस्तु नहीं कहा, तथास्तु नहीं कहा, क्योंकि ये मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। ऋषियों के सामने तथास्तु तो तब कहें जब नारायण के रूप में, देवता के रूप में प्रकट होवें। अब ऋषि लोग अपने भाव से प्रणाम करते हैं और वरदान मांगते हैं, लेकिन ये तो सकुचा जाते हैं कि मैं तो मनुष्य के रूप में हूँ। अत्रि ऋषि से जब मिलना जुलना हो गया, तब श्री सीता जी ने अनुसूया के चरण पकड़ लिए। सीता जी बड़ी सुशील, बड़ी विनीत हैं। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा भारी सुख बढ़ रहा है और आशीर्वाद देकर अपने निकट उन्होंने बैठा लिया। यह अनुसुईया जी इतनी पतिव्रता थीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो इनके बेटे हो चुके थे। ये तो बड़ी बूढ़ी थी। एक बार ऐसा हुआ कि शंकर जी की पत्नी, ब्रह्मा जी की पत्नी, विष्णु जी की पत्नी तीनों इकट्ठी हुई। संसार में कौन आजकल बड़ी पतिव्रता है, यह चर्चा चली। सो वे कहें कि हम बड़ी, दूसरी कहे कि हम बड़ी, इतने में आ गए नारद जी। उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या बड़ी हो, अनुसुईया जी के पांव की धूल भी नहीं हो। अब तो इन लोगों को बड़ा डाह हुआ और हमसे भी बड़ा कोई है, तो अपने अपने पतियों से रूठ गई तीनों और बोली कि जब तक अनुसुईया जी का पतिव्रत भंग नहीं होगा, तब तक हम लोगों का बड़प्पन नहीं रहेगा। ऐसी ईर्ष्या उनके मन में हुई। अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों व्याकुल हुए और अनुसुईया जी के सामने आए कि हम भिक्षा लेंगे। तो अनुसुईया जी ने कहा कि लो भाई, लो भिक्षा। बोले, नहीं, तुम नग्न होकर हमको भिक्षा दो, तब भिक्षा लेंगे। अच्छा, नग्न हो तब भिक्षा लोगे, अच्छा ठहरो। अब उन्होंने कहा कि यदि हमारी पातिव्रत सच्चा होवे तो ये तीनों हमारे बच्चे बन जाएं। जब तक भिक्षा लेकर लौटी, तब तक तीनों नन्हे नन्हे 6-6 महीने के बच्चे समान वहां धरती पर पड़े पड़े खेल रहे हैं। अब नग्न होकर आई और उन्होंने उनके मुंह में ग्रास डाल दिया। बच्चों के सामने नग्न होने में क्या हर्ज है। फिर जाकर वस्त्र पहन लिया। हो गई बात पूरी। यह पतिव्रता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना बेटा बनाकर रख ले। ऐसी है अनुसुईया, रामचंद्र से मिलने नहीं आई। रामचंद्र इनके आश्रम में आए हैं, परंतु अपने पति को छोड़कर ये रामचंद्र से मिलने के लिए नहीं आई। अनुसुईया के पद गहि सीता। स्वयं सीता जी अनुसुईया जी के पास गई और अत्रि जी तो रामचंद्र को हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और सीता जी रामचंद्र जी की आदि शक्ति हैं, यह क्या नहीं जानते हैं। भजे भजे सशक्ति सानुज। सीता सहित ये रामचंद्र का भजन करते हैं, पर अनुसुईया ने तो सीता के प्रणाम करने पर उनको आशीर्वाद दिया। यह नहीं कहा कि तुम
जगत जननी हो, हाथ जोड़ती हो, ऐसी अनुसुईया जी हैं। अलग एंगल दे दिया पूरा, ना? ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ये ऋषि पत्नी हैं, इनके मन में सुख और बढ़ता है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, पास बैठाया, उसके बाद उन्होंने दिव्य आभूषण पहनाए। जैसे कोई अपनी बेटी बेटी हो, जैसे कोई बहू हो, ऐसी जानकी जी को छोटी मानती हैं। कोई छोटी लड़की घर में आ जाए, बहू आ जाए, तो उसको वस्त्र भूषण पहनाते ही हैं। सो ऐसे वस्त्र पहनाए इन्होंने जो नित्य नूतन हों और निर्मल रहें। न तो धोने को तकलीफ उठानी पड़े, न तो पुराने हों और न तो फटे। ऐसे वस्त्र अनुसूया जी ने अपने तपोबल से, पातिव्रत धर्म के बल से सीता जी को दिए। चलो, कपड़े धोने का चक्कर खत्म रोज का। समझे। हम तो रोज धोते पड़ते हैं, रोज प्रेस करने पड़ते हैं सीधे। अब सीता जी बड़े संकोच में, जब बेटी बन गई, बहू बन गई, तो भले अनुसूया जी ऋषि पत्नी हो, उनका भी लेना पड़ा। इसी से हम आगे देखते हैं कि बहुत आश्रमों में भगवान रामचंद्र गए, लेकिन सीता जी किसी ऋषि पत्नी से मिलने के लिए फिर नहीं गई। एक ही बार मिली, क्योंकि वे ये ऋषि पत्नी हैं, ब्राह्मणी हैं, सब वस्त्राभूषण हमको देने लगेंगी, तो हम कोई ब्राह्मणों का प्रतिग्रह लेने के लिए थोड़े ही वन में आए हैं। ब्राह्मणों की संपत्ति तो पचेगी नहीं, तो वे प्रतिग्रह से बचने के लिए गई नहीं किसी के पास। ये एक पॉइंट है। अब ऋषि पत्नी अनुसुईया जी सरस और मृदुवाणी बोलती हैं, यह सीता जी का तो एक बहाना है। उनको बहाना बनाकर उन्होंने संसार के लिए नारी धर्म का वर्णन किया। बोली तो यहाँ पे वो उसको शिष्टाचार समझाती है, धर्म धर्म का लक्षण देती है, पातिव्रत धर्म का लक्षण देती है। क्या उसको बहाना बनाकर उन्होंने संसार के लिए नारी धर्म का वर्णन किया। बोली, सुनो राजकुमारी, माता पिता भ्राता सब स्त्री के हितकारी होते हैं, लेकिन सब गिनी चुनी चीजें देते हैं, चीज देते हैं। मितप्रद माने एक सीमा तक भाई माता पिता लड़की को देते हैं, लेकिन यह जो पति है, हे वैदेही, यह अमितदानी है, माने सर्वस्व ही देता है। हाँ सीमा, यू कैन सेकेंड दैट। और कौन है लेडी यहाँ पे, मेरे को पता नहीं। कौन है? प्रमिला भी है। हाँ देखो, अमित दानी मतलब कंटिन्यूअसली गिविंग। तो पहले जो तीन बताए ना उन्होंने, भाई माता पिता, ये थोड़ी देर के लिए देते हैं, कंटिन्यूअसली नहीं देते, मेरा पति हमेशा देता रहता है। देखो, मैं आज सुना रहा था किसी को कि विष्णु भगवान ने गंगा जी को अपने पांव के नीचे दबाया, तो भाग भाग गई, भाग कर ब्रह्मा जी के कमंडलों में गई। तो उन्होंने पीने की कोशिश की, भगवान के चरण का जल है, पी लें, तो वहां से भी भागी। तो अलग एंगल दे दिया है। अलग एंगल दिया है, तो वहां से भी भागी। और ये कहीं आता है? हमने तो जो वो सुना है कि उन्होंने विष्णु के चरण धोए और वैसे, पर ये एक कहीं किसी और ग्रंथ में आता है ऐसे। तो भाग गई, भागकर ब्रह्मा जी के कमंडलू में आई, तो उन्होंने पीने की कोशिश की, भगवान के चरण जल हैं, पी लें, तो वहां से भी भागी। वहां से भागी तो शंकर जी ने बड़ा आदर किया, सिर पे चढ़ा लिया, तो वहां से भी भागी। यह स्त्री न तो पांव से दबाने के लिए है, न तो पीने के लिए है, न तो सिर पर चढ़ाने के लिए है। सिर पर तो कभी चढ़ाया चढ़ाया ही नहीं। तीनों दशा में इनकी गति यह हुई कि तीनों के पास नहीं टिकी, बहकर समुद्र में जाना पड़ा। देयर डिफरेंट एंगल हैं टू होल थिंग टू गंगा जी के बारे में, कि कोई भी उनको पकड़ नहीं रख पाया, उनका सेवन नहीं कर पाया, समुद्र में जाना पड़ा। अधो अधो गांगेय पदम उपगतम स्तोकम अधुना मधुना।
और विष्णु विष्णु भगवान ने इससे 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 यह फायदा उठाया कि लक्ष्मी जी को उन्होंने अपने हृदय में बैठाया, अपनी छाती पर बैठाया। बस स्त्री का स्थान आंख से नीचे ही है, स्त्री का स्थान आंख से नीचे है, हृदय में, सर पे नहीं ओके आंखों में नहीं पीने के लिए नहीं, आंखों के नीचे। क्या बोले, कहा भाई बोले अभी? हाँ, तो उन्होंने, हाँ कहाँ गया यार, हाँ, स्त्री का स्थान आंखों से नीचे ही है। वह जहां आंख से ऊपर गई, सिर पर गई कि उसके बाद बह जाएगी। स्त्री को सिर पर कभी नहीं चढ़ाना। बहचाई मीन्स शील फ्लो अवे, शील गो आउट ऑफ कंट्रोल, शील गो अवे फ्रॉम यू। when it goes to the head. वेन यू मेक अ वुमन सिट ऑन योर हेड, ओके लाइक शंकर जी पुट हर ऑन योर हेड। सो थ्री एग्जाम्पल्स वे टेकन। विष्णु जी ट्राई टू पुट हर हैंड फुट ऑन हर टू स्टॉप हर, शी इज एस्केप फ्रॉम देयर। देन वेन शी केम डाउन, शी ब्रह्मा जी कलेक्टेड हर इन द कमंडलू कमंडल एंड थॉट दिस इज विष्णुपाद तीर्थ, सो ही इज ट्राइड टू ड्रिंक, अगेन शी रैन अवे फ्रॉम देयर एंड शंकर जी गॉट हिम इन हिज जटाज, एंड फ्रॉम देयर ऑल्सो शी रैन अवे। तो हियर अखंडानंद जी इज टेकिंग अ डिफरेंट एंगल ऑफ अप्रोच एंड ही इज सेइंग दैट, एंड इन केस ऑफ विष्णु ही कीप्स विश द श्री ऑन हिज चेस्ट, इजंट इट? तो ही इज सेइंग, अखंडानंद जी सेइंग दैट नेवर कीप अ स्त्री अबव योर आईज, ऑलवेज बिलो योर आईज। इफ यू कीप हर बिलो योर बिल अबव द आईज विच इज ऑन योर हेड, शी विल गो अवे फ्रॉम यू बिकॉज बिकॉज ऑफ द नेचर, बिकॉज ऑफ द नेचर। सो कीप हर इन योर हार्ट लाइक विष्णु जी। तो उन्होंने ना कहाँ गए उठाया कि लक्ष्मी जी उन्होंने अपने हृदय में बैठाया, अपनी छाती पर बैठाया। बस स्त्री का स्थान आंखों से नीचे ही है। वह जहां आंखों से ऊपर गई, सिर पर गई कि उसके बाद बह जाएगी। स्त्री को सर पर कभी नहीं चढ़ाना। अमित दानी भरता भय देही। एंड वेन ही सेइंग इन दैट वे, स्त्री हियर मीन्स द प्रकृति, स्त्री हियर मीन्स प्रकृति, बिकॉज लक्ष्मी इज द प्रकृति नो। तो इन दैट सेंस कि व्हेन इट गोज टू योर हेड देन यू बिकम एक्सट्रोवर्टेड, एंड इफ यू आर एक्सट्रोवर्टेड टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड यू ओनली थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड देन यू विल लूज द प्लॉट ऑफ लाइफ। अमित दानी भरता भय देही। भरता जो है, पति जो है स्त्री का, वह अमित दानी है, माने अपने सर्वस्व का, हृदय का दान करता है। इसलिए वह स्त्री अधम है जो उसकी सेवा नहीं करती है। बहुत अच्छी बात कही। खासकर जब आपत्ति का समय आता है तो चार परीक्षा हो जाती है। एक तो हमारे अंदर धैर्य कितना है, दूसरे धर्म में निष्ठा कितनी है, तीसरे यह मित्र हमारा कहाँ तक साथ देता है, चौथे स्त्री दुख में हमारा साथ देती है कि नहीं। इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है, जब लोग समझते हैं कि अब इस इनसे हमारा काम पूरा होने वाला नहीं है, तो स्त्रियां अपेक्षा कर देती हैं। तो भले वृद्ध होवे, रोगी होवे, जड़ होवे, धनहीन होवे, अंधा, बहरा, क्रोधी और बहुत दीन होवे, ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री को यमपुर में नाना प्रकार के दुख की प्राप्ति होती है। एक लड़की थी यहाँ पे श्रीलंकन, मेनी ईयर्स अगो, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 ईयर्स अगो, 15-17 ईयर्स अगो, मेरे को हर जगह पे क्लास वगैरह में लेके आई थी, यंग गर्ल। तो इवेंचुअली शी गॉट मैरिड टू समवन इन इंग्लैंड, लंदन में। और लंदन में क्या शादी हो गई, उसके बाद मेरा कनेक्शन उसके साथ छूट गया, उसने कभी फ़ोन नहीं किया, मैंने भी, मैं तो अपना बिजी रहता हूँ। फिर एकदम से 3-4 साल के बाद फ़ोन आया, और फ़ोन के बाद मैंने कहा कैसे सब चल रहा है, रोने लग गई।
कहती है मैं जब आऊंगी तब बताऊंगी, आई एम कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, आई वी वेंट टू जेल्स पार्क। एंड फिर पता चला कि जिसके लड़के के साथ शादी हुई वो स्किजोफ्रेनिक है, उन्होंने बताया नहीं कि वो स्किजोफ्रेनिक है। तो परेशान हो गई क्योंकि जो सास थी बड़ा तंग करती थी, तो अपनी इंडियन सास की तरह श्रीलंकन सास भी सेम ही होती हैं तो तंग करने लग गई उसको कि ये नहीं वो नहीं, काम नहीं करती, घर में बैठी रहती है, ये वो, उसको तो काम करना ही था। और तो एनीवे इवेंचुअली, एंड ही इज़ अ फार्मासिस्ट, वो अच्छा जॉब है, यानी एजुकेटेड था, लेकिन अब क्या करे, मेडिकेशन पे था। तो फिर यहाँ पे आके जब रोने लगी ऐसे, कितनी मेरे साथ ऐसे हो गया, आई हैव बीन ट्रिक्ड एंड दिस एंड दैट, तब मैंने उसको ये एग्जाम्पल दिया कि ईदर यू कैन, द इजी वे आउट इज कि तुम डिवोर्स कर लो एंड यू लिव योर लाइफ एंड यू कैन फाइंड समवन एल्स, तेरा पीआर भी हो जाए, पीआर भी हो गया अब। और दूसरा ये है कि ओके दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एंड आई विल टेक इट एज अ चैलेंज एंड आई विल कंटिन्यू टू लव हिम एंड सर्व हिम एंड टेक केयर ऑफ हिम। मैंने कहा बट चॉइस तेरी है, डिवोर्स विल बी द इजी वे आउट। एंड आई टू टेल यू, आज तक वो उसके साथ है, उसकी सेवा करती है। उसके कंपेयर्ड अभी 2 हफ्ते पहले मेरे को किसी ने, मैं किसी के साथ वॉक पे गया था, एक महाराष्ट्रन लेडी और एक पंजाबी लड़का, बहुत अच्छा लड़का है मैंने सुना है, उनको बच्चा हो गया पैराप्लीजिक, ब्रेन नॉट फुल्ली डेवलप्ड। तो प्रॉब्लम शुरू हो गई, उसने अपनी माँ को बुला लिया कि भाई हमारे, हम दोनों काम करते हैं तो थोड़ा बच्चे को देख लो। वो माँ आ गई, माँ का इसको कैसे रखें कैसे करें इसका, तो इसको कहा कि इसको केयरर बना देते हैं माँ को। तो द वाइफ शी सेड हाउ कैन यू मेक मदर अ केयरर, ऑल द मनी विल गो इन टू आर अकाउंट, एंड शी क्रिएटेड सच अ रैकेट, मेड द मदर टू गो बैक टू इंडिया। शी इनफैक्ट शी केम टू समवन आई नो, उन्होंने कहा मेरे लिए टिकट खरीदो और मैं तुम्हारे घर से ही एयरप्लेन में बैठ के इंडिया निकल जाऊंगी, एंड शी वेंट अवे। एंड जैसे ही मम्मी चली गई वो लड़के की, इस लड़की ने रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया कि ये मेरे को मारता है, ये मेरे को, ये डोमेस्टिक वायलेंस। अब घर उसने बना खरीदा हुआ है, बैंक अकाउंट वो ऑपरेट करती है, और ये किसी के घर में जाके एक बिस्तर पे लेटा हुआ, घर में जा ही नहीं सकता, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। इस टाइप के हैं ये जो बताया ना, ये पतिव्रत धर्म नहीं है अच्छा ये वो। आजकल की लड़कियां ऐसी हैं, इफ थिंग्स डोंट गो अलोंग देयर वे, चलो टाटा गुड बाय, अपने रास्ते चलो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक ही व्रत और एक ही नियम उसके लिए होता है, और वो क्या कि शरीर से वचन से मन से अपने पति के चरणों में प्रेम करे। ऐसे ही स्वामी जी भी एक एग्जाम्पल देते हैं, तुमने, यू मस्ट हैव हर्ड कि वन ओल्ड कपल वॉज देयर, मलयाली कपल इन बॉम्बे, एंड ही वॉज अ कम्युनिस्ट केरला से था, और उसकी शादी हो गई, याद है। तो वो एंड हाँ, दैट अब इसको बोल लेडी सकते हैं। एंड ही द लेडी केम टू बॉम्बे, मैच बॉक्स अपार्टमेंट, घर में सिर्फ ये दोनों, एंड शी वॉज डिवोटी ऑफ कृष्णा, उडुपी उडुपी नहीं, अपना गुरुवायूर कृष्णा। तो इसने कहा कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, घर में कोई मंदिर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये लेडी रोती रही रोती रही रोती रही, फिर एक दिन थोड़े हफ्ते के बाद इसने कहा मैं जिंदगी भर तो नहीं रो सकती, मैं क्या, व्हाट शुड आई डू, एंड शी स्टार्टेड डूइंग मानसिक पूजा। एंड मानसिक पूजा और भगवान का इतना जप किया, शी डिड सो मच कि शी स्टार्टेड रिमेनिंग हैप्पी ऑल द टाइम, एंड दिस फेलो वॉज अ फ्रस्ट्रेटेड फेलो कम्युनिस्ट, एंड ही यूज टू ट्रबल हर, दादागिरी, यू हैव टू डू ओनली विद हस्बैंड, यू हैव टू डू, हस्बैंड की सेवा करनी है, ये करना है वो करना है, वेरी वेरी इगोइस्टिक। एंड व्हेन स्वामी जी मेट देम, ही वेंट टू देयर हाउस, ही सेड अम्मा यू आर द हस्बैंड, द वाइफ सेड, यू नो, स्वामी जी सेड, देखा, देख के पता चल जाता है कि वही भव्य है। तो उसने कहा कि ये सब कुछ जो कुछ भी है,
इट इज बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, यू नो, इट ही इज माई गुरु, शी एंड शी मीन्स इट, दैट ही हैज बीन माई गुरु. इफ ही डिड नॉट, ही वॉज नॉट स्ट्रिक्ट विद मी, आई वुड हैव नेवर बीन सच अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. एंड शी स्टार्टेड एंड टीयर्स ऑफ इमोशन केम फ्रॉम अर आईज. द वेन ही द हजबेंड देर इन देयर एटीज, वेन ही सॉ द वाइफ क्राइंग, ही ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग. ही सेज इट आई एम सच अ बुद्धू दैट इट टुक मी 40 years टू रियलाइज दैट एक्चुअली शी इज माई गुरु. देर आए दुरुस्त आए, पर वो सेवा करती रही, कभी उसके अगेंस्ट नहीं बोला, यू नो. अरे स्वामी जी, ये कभी कभी सोचने की बात है कि चलो एक जिंदगी तो एक ही है, पर इट सम टाइम इट बेसिकली टेक्स द होल ईयर होल लाइफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड किया क्या था, हमने क्या सोचा. मतलब कि भगवान की कृपा है कि मतलब उनको सही दिमाग सही टाइम लग जाए, नहीं तो बिल्कुल पूरी पूरी बिल्कुल. जिंदगी खराब ही हो जाती फिर. अभी आज ही एक कपल मेरे को आया 3:30 बजे, स्वामी जी वी वॉन्ट टू गो आउट फॉर अ वॉक. मैंने कहा ठीक है, कल फ़ोन किया था कहीं से, पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया, यहीं पास में ही रहते हैं ग्लेन वे वैली में. मैंने कहा क्या हो गया? वो हम तमिल ब्राह्मण हैं, हमारे बच्चे मिशन में जाते हैं और अब वो कहते हैं ब्राह्मण कुछ नहीं होता, पूजा कुछ नहीं होती, भगवान कुछ नहीं होता. मैंने कहा मैं क्या करूं यार उसके लिए, अगर ऐसे करते हैं तो. वो 1.5 घंटा मेरा दिमाग खाया उन्होंने टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ, कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं. अब वो बच्चों को ब्लेम करो, बच्चों को ब्लेम करने से थोड़ा ना कुछ होगा. और ये तो नहीं कि हर चीज़ जो उधर क्लासेस में पढ़ाते हैं वो गलती पढ़ाते हैं. अब कहीं और भी तो हुआ था, और 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए तुम जाते हो, बाकी समय तो तुम यूनि में हो, वर्क कलीग्स हैं, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड होता है, एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, ऑल दैट प्रेशर इज देयर. बच्चे की तरफ से भी तो सोचो, तो कुछ तो क्लिक हुआ, देखो क्या होता है अभी. अब संडे को जाके पता चलेगा, भिक्षा पे जा रहा हूँ तो उस समय डांट पड़ के बाहर निकलता हूँ कि प्रेम से सब कुछ बाहर मेरे को भेजते, देखते क्या होता है. पर ऐसे ही हर फैमिली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, यू नो, बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. ये कल्चरल शॉक है ये सारा. लेकिन स्वामी जी, जैसे पढ़ते अगर कुछ देखा हो जाए, तुम तो फिर भी बचपन में इंडिया में थे और तुम्हारा वो पक्का हो गया, बचपन से ही तुम्हारी ग्राउंडिंग हो गई. पर कई बच्चे इन देयर टीन यंग एज दे कम हियर, एकदम घर में वो इंडियन इंग्लिश बोलते हैं, बाहर ऑजी इंग्लिश बोलते हैं. इन हाउस दे विल ट्राई टू शो दैट एवरीथिंग इज ओके, वी फॉलो दिस दैट, थोड़ा झगड़ा करेंगे सब कुछ, बाहर वो टोटली ऑजी हैं. तो दैट व्हाट यू कॉल, एक एक हिपोक्रिटिकल वो हो गया है. दे हैव बीन द किड्स आर डिवाइडेड इन देयर बिहेवियर. उनको भी पता नहीं कि क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है. वो सोचते हैं घर में डैडी मम्मी को शांत रखो और बाहर अपने फ्रेंड्स को ठीक रखो. सो दे आर बैलेंसिंग द होल थिंग एंड मूविंग अहेड इन लाइफ. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट किटकुटी. या रिसेंटली इन आवर ओन फैमिली आई वॉज ट्राइंग, शी वॉज कीप ऑन आस्किंग मी वॉट टू डू. हर हस्बैंड गॉट कैंसर लास्ट 2-3 years बैक, एंड एक्चुअली माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ, हाँ बट आई मेड हिम सो मेनी मंथ्स टू अटर एन वर्ड रामा, बट ही नेवर ही डू विल दैट. नॉट कम्युनिस्ट. ही नेवर डू दैट. हाँ ही विल नॉट डू एंड दैट. made all attempts, and I told my sister, don't worry, you sit close to him करेक्ट. when you keep chanting, हाँ करेक्ट, दैट्स ऑल यू and कैन डू नाउ. and it's gone worse, and now he is bedridden, then at least she made it attempt. I said don't make him because you can't change, हाँ and he never did even at that stage, हाँ and last week he is no more. हाँ सी दे आर रेडी टू पे द प्राइस बट दे आर नॉट रेडी टू टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड. So इमेजिन that is the हाउ स्ट्रॉन्ग द ईगो इज. एंड ये सब सोसाइटल ट्रेनिंग है, ये यू आर नॉट बॉर्न लाइक दैट. unbelievable. अनबिलीवेबल. हा एंड यू हैव गॉट योर डायरेक्ट एक्सपीरियंस नाउ. Yeah.
ऐसी एक प्रॉब्लम हाँ सॉरी यस दैट इज व्हाई दिस इज समथिंग ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स दिस कनेक्शन गेटिंग इन द अर्ली एज आई वुड से एनी टाइम सम पीपल गेट इट लेटर ऑल्सो बट इट इज ओनली बाय ग्रेस ऑफ गॉड एब्सोल्यूटली दैट वी आर हैविंग द टेस्ट ऑफ रामायण वी आर फ्रॉम अवर हार्ट वी वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व इन इट इन सत्संग इन भजन कीर्तन एंड यू नो एंड लिसनिंग एंड डूइंग जपा रियली इट इज अ ब्लेसिंग And one week, one almost one week, he was a vegetable, no recognition, everything gone. The life was just heart was pumping because heart and the lungs was okay. The doctor said. So 1 week he was just there. Just I asked her, "You keep chanting, doesn't keep matter chanting, whether exactly. whatever happens." And yeah, so last about. At least she felt that she has done what was required to be done for him. You know. On Vijayadashmi day morning. Ah. He is finished. Condolences. Okay. जगत में चार प्रकार की पतिव्रता होती हैं. Now this is again some information from अखंडानंद जी. जगत में चार प्रकार की पतिव्रता होती हैं. सो वेद पुराण संत ये सब के सब यह कहते हैं. तो उत्तम पतिव्रता के मन में ऐसा बसता है कि स्वप्न में भी दूसरा कोई पुरुष नहीं है. यह ब्रह्म ज्ञान है. हाँ, फर्स्ट वन इज कि इवन इन ड्रीम शी डजंट थिंक ऑफ एनी अदर पर्सन. दैट इज ब्रह्म ज्ञान फॉर द वाइफ. सेकेंड, जैसे उत्तम ज्ञानी के चित्त में यह दृष्टि रहती है कि परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं. नारी तो लक्ष्मी है. ऋग्वेद में बताया अमोहमस्मि सात्वम सामाहस्मिक ऋकत्वम द्यौरहम पृथ्वीत्वम. स्त्री पुरुष का जो संबंध है वह तो जैसे आकाश की गोद में पृथ्वी है ऐसा संबंध है. जैसा ऋचा में सोम का मिश्रण हो यह स्त्री पुरुष का संबंध है. सोम मतलब सोम रस द नेक्टर. ऐसा स्त्री पुरुष का संबंध है. जो तो उत्तम स्त्री के मन में ऐसी बात बसती है कि हमारे पति के सिवाय दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं. मध्यम दर्जे की जो स्त्री है वह दूसरे पुरुष को कैसे देखती है. बराबर का हो तो अपना भाई, बड़ा हो तो पिता, छोटा हो तो जैसे अपना बेटा होता है ऐसे. और जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा को समझकर जो पुरुष से संबंध नहीं जोड़ती है वह तीसरे नंबर की है. वह निकृष्ट स्त्री है. तो शी इज अफ्रेड टू मिक्स विद द थर्ड टाइप इज अफ्रेड टू मिक्स विद पीपल बिकॉज ऑफ द मॉरल्स because of the family that she belongs to. What will people say about my family? What will say, you know, out of the social vilification, she is not doing it. So that is the third type. Fourth, वह निकृष्ट है जो बिना अवसर के भय के कारण पुरुष से संबंध नहीं रखती. उसको अधम स्त्री समझना चाहिए जगत में. जो बिना अवसर के विदाउट अपॉर्चुनिटी भय के कारण विथ फियर पुरुष से संबंध नहीं रखती. सो इफ यू आर हैविंग अ वुमन हु इज नॉट अब ऐसे कितनी है यही इसकी प्रॉब्लम है. आज की जो फैमिली आई थी मिलने के लिए गर्ल इज 26 दे आर गिविंग सो मेनी बॉयज दे से वी आर तमिल ब्राह्मिन्स देर आर ओनली 20 तमिल ब्राह्मिन्स इन ऑस्ट्रेलिया विच आर एलिजिबल फॉर अवर डॉटर हु इज 26 ईयर्स ओल्ड. And she's saying no, 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 no to everyone. तो क्या क्या बोलेंगे सारे लड़कियों का यही हाल है. लड़कियों का क्यों लड़क बॉयज आर ऑल्सो सिमिलर nowadays. So you are not wanting to get married because of fear. You are not wanting to have a relationship with a man, a marriage relationship because of
because there is no opportunity, even if there is one. आजकल तो बोलते हैं ना, जब तक केमिस्ट्री नहीं होगी, जब तक ये नहीं होगा, जब तक मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं होगा, वैसा तो कभी मिलेगा ही नहीं तुम्हें। और हाँ, अधम स्त्री समझना चाहिए, और जो पति वंचक है, पर पति से रति करने वाली है, वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ती है। एंड दैट वुमन, दैट वाइफ, पतिव्रता, पतिव्रता तो हो ही नहीं सकती, दैट वाइफ हु इज हैविंग अ रिलेशनशिप विद अनदर मैन हु इज अ हस्बैंड ऑफ समवन एल्स, सच अ पर्सन गोज टू रौरव नरक। जो एक क्षण के सुख के लिए 100 करोड़ जन के दुखों को नहीं समझती है, उसके समान खोटी स्त्री और कौन है? एंड आई गॉट मेनी एग्जाम्पल्स इन मेलबर्न अबाउट दिस। वन वन मोमेंट ऑफ पैशन, लस्ट, दे हैव गॉट डिवोर्स्ड, दे हैव गॉट, दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर फैमिली। नॉट वन नॉट टू, सो मेनी केसेस। देखो, दिस इज द अधम आधम। सो फर्स्ट वन, द वन हु इवन इन ड्रीम डजंट थिंक ऑफ अनदर पर्सन। सेकेंड कैटेगरी, द वन, इफ अ मैन इज एल्डर टू हर, शी टेक्स हिम एज अ फादर, इफ इज यंगर, शी टेक्स हिम एज अ हस्बैंड, इफ समवन इज इक्वल, शी टेक्स हिम एज अ ब्रदर। That is the only three relationships she has with any man. अब ये तुम, when we were kids, हम कभी किसी को darling तो girlfriend boyfriend तो बोलते ही नहीं थे, सीधे भैया और बहन ही बोलते थे, है कि नहीं? और कोई relationship ही नहीं होती थी किसी के साथ। Then third type is the one who is afraid of getting into relationship with someone. Or talking to someone, we are talking about Pativrata here. So any wife who is afraid to talk to another person out of fear, and that is the third type. And the fourth type is, we told that the one who is having relationship with someone else's husband. Swamiji, I don't know whether I understood correctly, आप बताइए। तो मतलब तो इनकी थी स्वामी राघवाचार्य जी सी, उनकी अयोध्या से उनकी कथा चल रही थी। basically giving one example also, कि जैसे भी स्त्री की बात हो रही है कि शादी होना कितना जरूरी है स्त्री के लिए, है ना? तो बोले एक, and then he was giving example of कि उसकी and she was almost मतलब जैसे भक्ति कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भगवान का नाम ले रहे हैं, बट देन वो गुरु से नाम भी लिया है, और वो देन सिंह की अभी मैं गुरु जी बोल रहे, नहीं नहीं, यू विल नॉट गो एनीवेयर, यू हैव टू गेट मैरिड एंड देन यू फॉलो दैट पाथ एंड देन द गति जो मिली वही मिलेगी। तो यू हैव टू गेट, तो शादी के ऊपर कितना वो दे रहे थे स्ट्रेस के भगवान भी ऐसे नहीं मिलेंगे, यू हैव टू गो थ्रू दैट, संस्कार होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं गुरु जी को पता है ना, हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। कितने ही लेडीज सन्यासी हैं, कितनी भी लेडीज सन्यासी हैं, तो यू कैन नॉट जनरलाइज इट। अब यहाँ पे मेलबर्न में एक लेडी है, यंग लड़की थी, सिडनी में थी, तो उसको जाके मिशन में ब्रह्मचारी कोर्स करना था 2 साल का। उसका बाप फड़फड़ाने लगा, डॉक्टर था, इधर आया, सुरेश के पास आया। सुरेश ने कहा, स्वामी जी मैं लेके आऊँ, ये बहुत परेशान है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या इसको बोलना है, आप ही बोलो। तो ही केम, मैंने उसको समझाया, यार तेरी बेटी ना डिस्कोथेक जाती है, ना ड्रिंक्स लेती है, ना ड्रग्स लेती है, ना गैम्बलिंग करती है, ना पराए लड़के के साथ घूमती है, किसी को भी घर में लाके बिठा के तू क्या कर लेगा फिर? एंड शी विल से, आई एम 24, हु आर यू टू टेल मी, बाय बाय लॉ यू कैन नॉट से एनीथिंग टू हर। अब वो कोर्स करना चाहती है, वो कोई पाप कर रही है क्या? उसको जाने दे। और उसने कहा है कि मैं सन्यासी नहीं बनूंगी, मैं, मेरे को पढ़ना है, मेरे को सीखना है कि क्या है ये। अब डैडी को परेशानी, एंड इवेंचुअली फिर 2 घंटे था मेरे साथ, इतना समझाने के बाद मैंने कहा, फिर समझ गया, फिर उसकी अपने साथ आई थी ना वो, यू आर देयर ना,
वो बैंगलोर से एक आई थी ना अम्मा अपने साथ जिसके घुटने खराब थे, इंदिरा इंदिरा इंदिरा, हाँ, हर डॉटर सुधा, ओके हाँ, देन शी वेंट, शी स्टडीड, शी सर्व फॉर 1 or 2 years, देन शी गॉट मैरिड, नाउ फादर इज हैप्पी, देन ही केम आफ्टरवर्ड्स, नाउ दे आर सेटल्ड इन बैंगलोर, बट नाउ दे आर वेरी हैप्पी कि नाउ दे हैव, दे गॉट 2 kids, स्वामी जी ओनली ब्लेस देम विद द फर्स्ट वन, दे वर नॉट हैविंग द किड. तो हाउ लाइफ अनफोल्ड्स दैट महात्माज नो, बट वी मस्ट नॉट टेक इट एज अ जनरल रूल. और जनरल रूल लेना है तो ये समझना है कि द गर्ल इफ शी इज मैरिड बाय 22, 24, इट इज अ नेचुरल अर्ज विद इन अ वूमन टू बी अ मदर. इट इज अननेचुरल नॉट टू गेट मैरिड. वेरी फ्यू आर, रेयर आर देयर इफ दे आर मूविंग टूवर्ड्स अध्यात्म और समथिंग लाइक दैट इन जनरल. तो अभी ये जो फैमिली आज आई थी, इनकी लड़की फ्रस्ट्रेटेड है अभी, शी इज बिकम सेक्युलर, मेरे को रिलीजन से कुछ नहीं लेना देना, मेरे को शादी नहीं करनी. अरे तो अभी देखो डोसे के, डोसा इडली के ऊपर क्या बात होती है. अरे यानी हाउ डू आई ऑल्सो ब्रिंग दैट टॉपिक अप. वो तो जब जनरल, यानी यू ऑल्सो नो कुटी, इन योर फैमिली ऑल्सो इट हैपन नो, इवन पंजाबी गर्ल केम, यू नो द ड्रामा, इनिशियल स्टेजेस, बट इट ऑल, नाउ यू आर हैप्पी इजंट इट, एंड दैट्स ऑल शांता इज ऑल्सो गेटिंग वेरी हैप्पी नाउ. दैट. हाँ, सो दैट इज हाउ इट इज, वी जस्ट मेक अ इश्यू ऑफ थिंग्स समटाइम्स. पर यहाँ पे पतिव्रता की बात हो रही है कि यंग गर्ल्स शुड, यंग गर्ल्स कह रहा हूँ, मैरिड गर्ल, दीज आर द 4 categories ऑफ मैरिड गर्ल्स. छल छाड़ी गहई, उसको बिना परिश्रम के परम गति की प्राप्ति हो जाती है. किसको? जो सपने में भी किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं करती उसको. यू अंडरस्टूड कुटी? दैट वाइफ, दैट पतिव्रता, दैट वाइफ हु डज नॉट ड्रीम इवन ऑफ अनदर पर्सन इन हर ड्रीम, यहां हियर इट सेज दैट बिना, विदाउट एनी एफर्ट्स, शी अगेंस्ट द परमा, शी बिकम्स वन विद द परमात्मा इन लाइफ, इन हर लाइफ, बिकॉज ऑफ अवर पातिव्रत धर्म. पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, अब जो पति के प्रतिकूल जीवन अपना व्यतीत करती है, वह जहां जाकर जन्म लेती है, जवान होते ही विधवा हो जाती है. सो जन्म से ही अपावन जो स्त्री है, वह पति की सेवा करने से शुभ गति को प्राप्त होती है. तो जो अपने, द वन हु सर्व्स हर हस्बैंड एज गॉड, अब इसका मतलब नहीं है माई हस्बैंड इज नॉट टेकिंग, ट्रीटिंग मी एज गॉडेस, सो वाई शुड आई ट्रीट हिम एज गॉड. नहीं, तुम अपना काम करो ना, वी डोंट हैव राइट ओवर अदर पीपल. वी मस्ट, टूडे सोसाइटी वॉन्ट्स वॉट इज माई राइट, वॉट इज गवर्नमेंट डूइंग फॉर मी. अरे वॉट हैव यू डन फॉर द सोसाइटी, फॉर द गवर्नमेंट? तुम अपना धर्म निभाओ करेक्टली. व्हाई यू आर कंपेयरिंग व्हाट यू आर डूइंग विद व्हाट अदर इज डूइंग? जैसे वो लेडी जो मैं बताया ना, ओल्ड पीपल फ्रॉम केरला, वह आप, हाँ, यह आपको पहले ही सुनाया कि रामचरितमानस में कहीं देव पूजा का वर्णन है, कहीं अवतार का वर्णन है, कहीं मूर्ति पूजा का वर्णन है, कहीं श्राद्ध का वर्णन है, कहीं पति पातिव्रत धर्म का वर्णन है, सनातन धर्म के सभी अंगों का स्थान स्थान पर वर्णन है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ रामचरितमानस. ऑल द मेन मेन इवेंट्स ऑफ अवर लाइफ, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरीथिंग तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मेंशन किया है. बोले सहज अपवत अपवन अपावन, क्यों बोलते हो? दो बात पर विचार करो स्त्री शरीर के संबंध में. एक तो रजोधर्म का होना और एक गर्भ स्त्री के शरीर में ही रहना. लोग कहते हैं सब समान हैं,
सबका अधिकार समान। समान अधिकार कैसे? एक बार स्त्री 10 महीना गर्भ अपने पेट में रखे और दूसरी बार पुरुष अपने पेट में गर्भ 10 महीना रखे, समानाधिकार तो तब होगा ना। पुरुष तो रख ही नहीं सकता तो कैसे समान होगा? ऐसा समानाधिकार नहीं होता। यह रजो धर्म का स्त्री शरीर से होना, गर्भाधान होना, स्त्री के शरीर में कोमलता के चिन्ह अधिक होना और उसी के शरीर में बच्चे के लिए दूध उत्पन्न होना, इस बात से यह सिद्ध है कि पंच भौतिक शरीर होने पर भी दोनों की आकृति में, दोनों की प्रकृति में, दोनों की संस्कृति में, दोनों की विकृति में थोड़ा फर्क होता है। कितना सुंदर बोला ना स्वामी जी ने। वाओ, आई विल रीड इट अगेन। इस बात से यह सिद्ध है कि पंच भौतिक शरीर होने पर भी, इवन दो वी हैव अ बॉडी मेड अप ऑफ द फाइव एलिमेंट्स, स्टिल दोनों की आकृति में, आकृति मीन्स द शेप इज डिफरेंट, मैन एंड वुमन, दोनों की प्रकृति में देयर द बॉडी फंक्शनिंग, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस तो सेम होंगे, बट मैन कैन नॉट प्रोड्यूस मिल्क, ही कैन नॉट हैव अ, ही कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट, तो प्रकृति में, दोनों की संस्कृति में, वॉट अ वुमन गेट्स अट्रैक्टेड, वॉट वैल्यूज शी फॉलोज, बिकॉज बाई नेचर शी इज सॉफ्ट, शी इज इमोशनल, मैन इज मोर हार्ड, मैन इज मोर लॉजिकल, वेर एज वुमन इज मोर इमोशनल। तो येस, यू डू गेट समटाइम्स सम पीपल, मैन ऑल्सो आर समटाइम्स इमोशनल, बट इन जनरल वी आर सेइंग संस्कृति में, दोनों की विकृति में, हाउ द बॉडी चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, हाउ द माइंड चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द मैच्योरिटी ऑफ अ बॉय इंटू अ मैन, मैच्योरिटी ऑफ अ गर्ल इंटू अ वुमन इज ऑल डिफरेंट, इट्स नॉट एट द सेम टाइम, द डेवलपमेंट इज डिफरेंट। हाँ, संस्कृति में, दोनों की विकृति में थोड़ा फर्क होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। So how can you have a man and woman? No, I want to be like man, or man says I want to be like woman. It's not possible. We must respect for who each one is. Swamiji, time ho gaya hai. Aapko jana hai. Ho gaya time. Haan, ye kitna baaki hai? Ek minute. Wo thoda sa hi hai. Abhi khatam ho gaya bas. Okay, padh padh. Theek hai. Mujhe koi problem nahi. 5-6 line hai. 5-6 line hai. Khatam kar deta hu. Theek hai, theek hai. Kahan gaya? Haan. Fark hota hai. अखबार में छप जाए कि दोनों का अधिकार समान है, इससे अधिकार समान नहीं होता। यह विधाता का बनाया हुआ जो वैषम्य है, यह वह वैषम्य तो शरीर में रहेगा ही। यानी द वॉट द गॉड हैज क्रिएटेड दीज टू टाइप्स ऑफ बॉडीज, दैट विल बी देयर वे। यू कैन नॉट मेक अ मैन इनटू अ वुमन और अ वुमन इनटू अ मैन, इट विल नॉट बी पॉसिबल। इसी से सिद्ध पुरुष कर सकते हैं शायद। ओके okay. इसी से बताते हैं कि स्त्री यदि पति की सेवा करे, जैसे हम अपने मन बुद्धि प्राण से भगवान की सेवा करें, तो भगवनमय हो जाएं। जैसे स्त्री पति की सेवा करे तो पतिमय हो जाए और उसको शुभ गति प्राप्त हो। जसुगावत श्रुतिचारी अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय, जसुगावत श्रुतिचारी। देखो, चारों वेद उसके यश का गान करते हैं और वह जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी, उसने अपने जीवन में पतिव्रत धर्म का पालन किया और आज भी तुलसी के रूप में वह भगवान की प्यारी है। सुमेरी नारी पति व्रत करही, सुनु सीता तव नाम। सुनो सीता, तुम्हारा नाम स्मरण करके स्त्री मात्र पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं और तुम्हें तो श्री राम जी प्राण प्रिय हैं। मैंने तुम्हारे लिए पातिव्रत धर्म का उपदेश नहीं किया है, यह तो संसार के लिए पातिव्रत धर्म का उपदेश किया है।
बोलो सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय, पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय, जय, उमापति महापति महादेव महादेव की जय, बोलो जय। भाई सब संतन की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव, महादेव। सीता रामचंद्र अर्पणमस्तु।